मध्य प्रदेश में मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी है और पिछले 24 घंटों में राज्य के 51 जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। खासकर सीहोर, चित्रकूट, ग्वालियर और कटनी में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मॉनसून सत्र अब और ऊपर की तरफ बढ़ गया है। गुजरात और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से आने वाला मॉनसून ट्रफ मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय हो गया है। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों में भारी वर्ष और कुछ जगहों पे अति भारी वर्ष भी दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में देखा गया तो फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश हुआ है। 31 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट किया और 2 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ। सबसे ज्यादा बारिश हुआ सीहोर में 70 मिलीमीटर। ईस्ट एमपी में वाइड स्प्रेड बारिश हुआ है। 24 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। मैक्सिमम रेनफॉल कटनी में हुआ 177.2 मिलीमीटर, वेरी हेवी रेनफॉल है। 6 स्टेशंस वेरी हेवी रिपोर्ट किया और 18 स्टेशन हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया है। और प्रदेश की सबसे अधिकतम तापमान वेस्ट एमपी में ग्वालियर में रिपोर्ट हुआ 32.7 डिग्री और ईस्ट एमपी में चित्रकूट में 37.5 डिग्री रिपोर्ट हुआ। आने वाले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, चंबल, शिवपुर कलां, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, कटनी, जबलपुर, छतरपुर, उमरिया, दमोह, सागर, विदिशा, अलीराजपुर, बड़वानी और सीहोर संभाग में भारी वर्षा हो सकती है। आज मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है और नॉर्थ ईस्ट एमपी का भी जैसे सतना, रीवा, हॉगंज, सिद्धि सिंगरौली ये रीजन में भी मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में आज बारिश होने का चांसेस है। और हेवी रेनफॉल का मॉर्निंग देखा गया तो वेरी हेवी रेनफॉल मेनली ग्वालियर संभल रीजन में जैसे श्योपुर कला, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर रीजन में और निवाड़ी, छतरपुर में चांसेस है। और ईस्ट एमपी में कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर रीजन में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और सेंट्रल इंडिया में भी सेंट्रल एमपी में देखा गया तो दमोह, सागर, विदिशा और सीहोर ये रीजन में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल 6 सेंटीमीटर तक बारिश होने का चांसेस है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून सक्रिय है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के अनुसार छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, मैहर, दक्षिण रीवा, सीधी और नीमच में बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, कुनो और दतिया में मध्यम बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना है। सीहोर, रायसेन, शाहजहापुर, भोपाल ये रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी का चांसेस है। गुना डिस्ट्रिक्ट में हेवी टू वेरी हेवी का चांसेस है। और ईस्टर्न एमपी में देखा गया तो पन्ना, दमो, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शिवनी ये रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और डे 3 में ये स्थिति और चेंज हो रही है। मोस्ट प्लेसेस का बारिश मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमो में रहेंगे। बाकी वेस्टर्न सेंट्रल रीजन में फ्यू टू मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। रतनगढ़, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, ओरछा, टीकमगढ़, विदिशा, उदयगिरी, उत्तरी रीवा, सतना, चित्रकूट, उमरिया, बांधवगढ़, शहडोल, सिंगरौली, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, गांधी सागर बांध, सागर और सिवनी में बिजली के साथ हल्की आंधी आने की संभावना है। थर्ड डे से थोड़ा कम रिड्यूस होने का चांसेस है। मेनली ईस्ट एमपी का बालाघाट, चिमनी, मंडला ये रीजन में और वेस्ट में नर्मदापुरम और बैतूल ये डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे थर्ड डे में। और डे 4 में देखा गया तो डिस्ट्रीब्यूशन अगेन मोस्ट प्लेसेस से मेनी प्लेसेस में रहेंगे, स्पेशली नॉर्थर्न और सेंट्रल रीजन में। और ईस्टर्न एमपी का भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड और साउथ ईस्टर्न साइड में मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। बाकी रीजन में भी आइसोलेटेड टू फ्यू प्लेसेस में हल्का बारिश रहने का चांसेस है। दमोह, कटनी, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, कान्हा, जबलपुर, भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, बालाघाट, पांडुर्ना, पेंच, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, उत्तरी भोपाल, आगरमालवा, सीहोर और हरदा में रात्रि के समय मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। और वेस्ट एमपी में जैसे राजस्थान बॉर्डर, अलीराजपुर, बड़वानी में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। बुधवार को मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश सक्रिय रहेगी। हालांकि बरसात की गति में थोड़ी कमी आने की संभावना है। बुधवार को सबसे अधिक तापमान सीधी का 35.0 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान पचमढ़ी का 22.8 डिग्री रहा। मध्य प्रदेश में इस समय मॉनसून की गतिविधियां पूरे जोरों पर हैं, जिससे किसानों को काफी राहत मिल रही है। फसलों को भरपूर पानी मिल रहा है और खेती के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि
निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले दिनों में बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए जो लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं उन्हें मौसम की ताजा जानकारी लेते रहना चाहिए। बारिश के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति में भी रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए जरूरी सावधानियां बरतें। यह थी मध्य प्रदेश के मानसून की ताजा जानकारी। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।